कि पहले सुना था कि इंसान सोते में बोलता था, और बोलने के साथ साथ हमने ये भी देखा कि इंसान जो है वो कभी कभी सोते में चलना फिरना भी शुरू कर देता है। और अक्सर बच्चों के साथ ये बहुत होता है कि बच्चे उठते हैं, परेशान होते हैं, कोई ख्वाब देखते हैं और उसी की टेंशन में गुम होकर जो है ना वो चलना शुरू करते हैं। या फिर ये भी होता है कि बच्चे कार्टून्स बहुत ज़्यादा देखते हैं, और जो कार्टून्स बच्चों को सबसे ज़्यादा इंस्पायर करते हैं, बच्चे रात को उसी कार्टून करेक्टर में होते हैं, या उसी तरह से फाइट कर रहे होते हैं, या फिर उसी तरह की बातें कर रही होती हैं। वो सुपर हीरो हो सकता है, वो सुपर मैन हो सकता है, टॉम एंड जेरी हो सकता है, लाइक बच्चे उसी तरह की हरकतें करते हैं। लेकिन जो बड़े हैं वो भी नींद में चलते हैं और इसके साथ साथ बड़बड़ाते भी हैं। लेकिन आज जो हमने आपको रिसर्च बतानी है वो बहुत मुनफरिद है और बहुत लेटेस्ट भी है। अब है जी कि रात को नींद में आप आंखें खोले बगैर मैसेज भी करते हैं, टेक्स्ट मैसेज करते हैं। रिसर्च में आपको बताऊं कि अगर आपके दोस्त की जानिब से आपको टेक्स्ट कुछ इस तरह से मौसूल हुआ हो जो बिल्कुल समझ से बालातर हो, जो जिसके माने कोई ना हो, जो कि स्पेलिंग्स की समझ ना आए, या फिर बिल्कुल जंबल्ड फॉर्म में हो, तो आपने परेशान बिल्कुल नहीं होना, बल्कि ये सोच लेना है कि इस बंदे ने या फिर इस बंदी ने मुझे नींद में मैसेज कर दिया। क्योंकि ये रिसर्च है और इसमें ये देखा गया है कि टेक्स्ट मैसेज को एक नए मर्ज से ताबीर किया जा रहा है, जिसे नींद में बातें करने की तरह नींद में टेक्स्ट करने की एक कैफियत के तौर पर पेश किया जा रहा है, जिसमें लोग फ़ोन उठाते हैं, अनलॉक करते हैं, दोस्त का इंतखाब भी करते हैं, मैसेज लिखकर उसे सेंड ही कर देते हैं, और ये सब कुछ नींद में होता है। और इस मैसेज लिखने वाले की जो आंखें हैं वो भी मुसलसल बंद होती हैं, यानी कि वो जाग नहीं रहा होता, उसकी आंखें भी नहीं खुलती, लेकिन ये तमाम प्रोसेस जिससे वो गुजर रहा होता है वो खुद लाशौरी तौर पर और शौरी तौर पर उससे बिल्कुल बाखबर नहीं होता, बल्कि बेखबर रहता है। तो इसलिए जो है वो इसे स्लीप टेक्स्ट का नाम दिया जा रहा है, जिसमें ये लिखा जाने वाला पैगाम बिल्कुल बेमानी और गड़बड़ सा होता है। अगर से ये बात बहुत अजीब सी लग रही है, लेकिन आपको जानकर ये हैरत ज़रूर होगी कि टेक्स्ट करने वाले को खुद भी याद नहीं रहता कि रात में जो है वो उस बंदे ने क्या किया है या फिर किसी को क्या टेक्स्ट कर दिया है। इस बीमारी को कहा जा रहा है जी पैरासोमिया की एक किस्म करार दिया है, जिसका मतलब है कि लोग सोचते में अजीब व गरीब काम करने के आदी होते हैं। ताहम एक कैफियत है, कम अज़ कम मग़रबी ममालिक में हमारी तवक्को से बहुत ज़्यादा आम होती जा रही है, क्योंकि गैजेट्स हम लोग बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल। हालांकि अक्सर कहा जाता है कि मोबाइल फ़ोन को अपने तकिए से दूर रखें, इसमें बहुत सारी ऐसी शुआएँ होती हैं जो कि हमारे जिस्म के लिए, हमारे जहन के लिए बहुत ज़्यादा ख़तरनाक हैं। लेकिन उसके बावजूद भी इन तमाम चीज़ों को बलाए ताक रखते हुए हम बिल्कुल मोबाइल फ़ोन को तकिए के या नीचे या बिल्कुल तकिए के पास रख के सोते हैं, बल्कि बेहतर है कि मोबाइल फ़ोन को जो है, अब रिसर्च के बाद मैं ये कहना चाहूँगी कि बेहतर है कि मोबाइल फ़ोन को किसी टेबल पर रख दें, क्योंकि हो सकता है कि आप किसी ऐसे शख्स को मैसेज कर दें जिससे आपकी कोई गड़बड़ चल रही है या जिससे आपकी कोई लड़ाई शराई चल रही है, तो वो बंदा तो परेशान हो जाएगा। खैर, एक तरह से अच्छा भी हो जाएगा कि मामला जो है वो सुलझना शुरू हो जाएंगे कि चलो वो बंदा मेरे से नाराज़ था। वो आपका दोस्त भी हो सकता है, बहन भाई भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है जिससे आप नाराज़ हो और आप रात को सोते में उसे मैसेज कर दें, तो जब वो सुबह उठे देखे और थोड़ा सा उसका दिल नरम हो जाए और आपके जो आपस के मामलात हैं वो ठीक हो जाए।